मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां भारत पंडवम में लगी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वे शामिल हुए। इसी बीच मुख्यमंत्री यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले प्रगति मैदान में आज हम अपने भारत मंडपम में मध्य प्रदेश दिवस के अवसर पर अपना जो अलग अलग स्टॉल लगाए हैं, प्रदर्शन के साथ साथ व्यापार व्यवसाय की जितनी गतिविधि चलती सबका प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने सभी लोगों को देश के सामने अपने उत्पाद को लाने का, कल्चर को जानने का ये जो मौका मिला है, मेरी अपनी ओर से बधाई। इस पूरे आयोजन में आज शुभारंभ भी किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे करके लगातार एक इंडस्ट्रियों का वातावरण जो मध्य प्रदेश में बना है, इसके कारण से देश के कई राज्यों से बड़े पैमाने पर निवेशक भी अब हमारे मध्य प्रदेश में वो इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और अभी हमारी आने वाले फरवरी माह तक हम अपनी ग्लोबली इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं स्वयं इंग्लैंड और जर्मनी निमंत्रण देने जा रहा हूं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए अवसर मिल रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा कि हमारी जीडीपी भी हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। हमारे बजट को 5 साल में 3.5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। साबरमती एक्सप्रेस पिक्चर बहुत अच्छी आई है, हमें स्वयं भी कल उसको देखने जा रहा हूं और हमारे विधायक दलों को भी हम 2 हिस्सों में इसको दिखाने जा रहे हैं। कल फर्स्ट टाइमरों के साथ जाकर के हम देखेंगे और 2-3 दिन बाद हम बाकी शेष बचे हुए, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या है और हमारी भावना भी है कि अलग अलग ग्रुप में जाकर के सामान्य तरह से लोगों के साथ बैठ करके पिक्चर भी देखें और ये हम एहसास भी कराएं कि हम सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन आखिर हैं सामान्य व्यक्ति।